हाय गाइस, मेरा नाम है रीच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पास पे जी स्टोरीज बाय रीच। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो बन रहे वीडियो में एंड तक बताने वाले आपको कुछ खास। तो बिना टाइम को वेस्ट किए टेक ऑफ करते हैं। उम्मीद है आप अपने घरों में सेफ होंगे और आप इस लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। तो वैसे आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जो था द क्विंट का। आप सब जानते होंगे द क्विंट एक अच्छा मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें अच्छी न्यूज़ वगैरह देखने को मिलती है। तो वहाँ पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जो कि था एयर इंडिया के किसी चीफ का, और वो बात कर रहे थे कि लॉकडाउन के बाद एविएशन कैसा हो जाएगा गाइस। क्या चीप ट्रैवलिंग की एरा ख़त्म हो चुकी है? क्या फ़्लाइट की जो कॉस्ट है, हमारी जो टिकट की जो कॉस्ट है, वो दो गुना होगी, तीन गुना होगी, चार गुना होगी या पांच गुना होगी? क्या हम अपने असाइनमेंट्स के लिए या अपनी मीटिंग्स के लिए या अपनी कॉर्पोरेट मीटिंग्स के लिए या ट्रैवल के लिए फ़्लाइट को ऑप्ट करेंगे? क्या होगा गाइस? देखिए अगेन, ये जो है एक सब अजम्पशन है, लेकिन हाँ श्योरिटी थोड़ी बहुत इससे मिलती है क्योंकि एयर ऑपरेशंस जरूर महंगे होने वाले हैं। तो आज मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा कि उन्होंने क्या क्या, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि कैसे एयर ऑपरेशंस होंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूँ कि अगर जो हमारा फ्लाइट की जो सीट्स होती हैं, तो वहाँ एक सजेशन ऐसे आ रहा है कि जो बीच की रो हो वो खाली हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तीन सीट्स हैं, तो बीच की सीट हो उसको खाली रखा जाए। क्यों? ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो दोनों पैसेंजर्स के बीच में। अब गाइस अगर एक जो सीट है उसकी कॉस्ट अगर हम नॉर्मल फ्लाइट की माने, फॉर एग्जांपल दिल्ली टू मुंबई, तो 3500 से 4000 रुपये होती है। तो गाइस वो 3500 से 4000 बीच वाली सीट का 2000 तो इसमें जाएगा और 2000 उसमें जाएगा। तो गाइस जो टिकट 4500 की थी वो 6500 या 7000 की हो जाएगी, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। तो ये एक अजम्पशन है। तो गाइस एक अजम्पशन तो ऐसे दिया उन्होंने कि हो सकता है ऐसा हो जाए। और एक और चीज़ है गाइस कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए और जो बाकी पैसेंजर्स हैं, लाइक 50 से 100 पैसेंजर एक फ़्लाइट में अगर हम बात करें, मिनिमम भी रखे जाएं तो भी बहुत ज़्यादा एक तादाद हो जाएगी लोगों की। तो लास्ट की जो तीन रो हैं वो खाली रखी जाए। क्यों? ताकि अगर कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट्स हमको मिलता है या कोई भी सिम्टम वाला पेशेंट हमको मिलता है फ़्लाइट के अंदर, तो उसे उस लास्ट वाले सीट पर भेजा जाए ताकि सारे पैसेंजर सेफ रहें। फ़्लाइट्स में जाना तब इतना ईजी नहीं होगा जितना लॉकडाउन से पहले था, और ये हो सकता है कि एक चीप ट्रैवलिंग की एरा ख़त्म ही हो जाए। मैंने सेम आर्टिकल में ये भी पढ़ा कि जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं, जो हमारी डोमेस्टिक कैरियर एयरलाइंस हैं, उनके जो एयरक्राफ्ट हैं उनके एयर ऑपरेशंस तो वैसे ही रुके हुए हैं, और वो लीज़ रेंट पे कर रहे हैं उनको पार करने का। इसके अलावा गाइस उनको सैलरी पे करनी पड़ रही है, मोटी मोटी सैलरीज होती है। आप जानते हैं पायलट की अगर सैलरी की बात करें तो 2 से 3 लाख रुपए नॉर्मल पायलट की सैलरी होती है। कैबिन क्रू की सैलरी आप सब जानते हैं गाइस, तो इतनी मोटी सैलरियाँ अभी पे कर रही थी एयरलाइंस, अब पता नहीं कर रही या नहीं कर रही, इतना मोटा लीज़ रेंट पे कर रही हैं। तो क्या वो इस हालत में रहें कि वो एयर ऑपरेशन कंटिन्यू कर पाए जब ये लॉकडाउन ओपन हो? तो गाइस ये भी एक सवाल उठ के आता है कि कितना सब बदल जाएगा, एविएशन का ये जो बैकग्राउंड है कितना बदल जाएगा। और सवाल ये निकल के आता है कि क्या कुछ एयरलाइंस शट डाउन हो जाएंगे जैसे कि जेट एयरवेज हुई थी? तो गाइस ये सवाल भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर मैं बात करूँ तो अभी तक वर्ल्ड वाइड 8 एयरलाइंस शट डाउन हो चुकी हैं। वो कौन कौन सी हैं आप गूगल पर देख सकते हैं। तो इन 8 एयरलाइंस को देख के लगता है कि ये प्रॉब्लम इंडिया में भी हो सकती है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी किसी एयरलाइन को इतनी हेल्प करे, इतना फंड किसी गवर्नमेंट के पास नहीं है, एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट के पास तो नहीं है गाइस कि एक एयरलाइन को डूबने से बचा सके। तो गाइस ऐसी एयरलाइंस, और उस हालत में जब देश लॉकडाउन से उभर के आया हो, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हो, जब देश की हालत ऐसी हो, तो गाइस ये भी हो सकता है कि फेयर्स हमको एकदम हाई देखने को मिले और एयर ऑपरेशंस हमें बहुत कम देखने को मिले। जो बंदा दिल्ली से मुंबई मीटिंग करने जा रहा है वो ऑनलाइन जूम ऐप पे कर ले, या ऑनलाइन जो मीटिंग होती है वो आजकल काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। ये ज़माना जो है, अब जो एरा आएगी गाइस, वो पूरी इंटरनेट से लिंक्ड होगी, वहाँ ट्रैवलिंग बहुत कम होगी कमर्शियल की बात करें तो, क्योंकि वो बहुत महंगी हो जाएगी गाइस। अगर इस बात करें कि एयर ऑपरेशंस कब स्टार्ट होंगे, तो उसकी कोई पुष्टि नहीं होगा गाइस। मैंने पढ़ा था 16-17 मई को हो जाएंगे, लेकिन अब तो वो भी मुश्किल लग रहा है। जिस अकॉर्डिंग इंडिया में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि तब फ्लाइट्स स्टार्ट हो पाएंगी, और स्टार्ट होने के बाद भी क्या किराया रहेगा वो तो भगवान
बन जाने, लेकिन 2 से 3 गुना तो मैं लेके चल रहा हूँ, इतना किराया तो लेगी एयरलाइन। अब ये भी सवाल निकल के आता है कि एयरपोर्ट पे कैसा होगा। तो एयरपोर्ट पे जो हमारा एक टाइम होता है ना कि 7:30 बजे की फ्लाइट है, तो डोमेस्टिक में हमें 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है और इंटरनेशनल में 2 से 3 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है, तो वो टाइम भी बढ़ जाएगा क्योंकि चेकिंग बहुत तगड़ी होने वाली है। कहीं एक आदमी के चक्कर में पूरे एयरपोर्ट पे जितने पैसेंजर सबको फैल सकता है गाइस, कितनी जल्दी फैलता है ये वायरस जो है। तो गाइस इसलिए चेकिंग बहुत डबल से ट्रिपल होने वाली है, तो आपको टाइम भी लेके चलना पड़ेगा। तो जो इजीनेस थी ना पहले, मतलब जो सब इजी था, वो अब थोड़ा हार्ड हो जाएगा। उसके बाद भी हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा और जो फेयर देना पड़ेगा गाइस वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो गाइस यही उम्मीद है कि सब जल्दी से सही हो जाए, एयरलाइंस जो है फिर से एयर ऑपरेशन स्टार्ट कर पाए, ताकि उनका भी इकोनॉमिक साइकिल फिर से घूम जाए और वो अच्छा पैसा कमाए फिर से। मैं नहीं चाहता कि कोई एयरलाइन शट हो इंडिया की, क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छी अच्छी एयरलाइंस है, इंडिगो, एयर विस्तारा, गो एयर, स्पाइस जेट, काफ़ी अच्छी एयरलाइंस है गाइस ये। तो मैं नहीं चाहता कि इनमें से कोई शट हो और ये अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी ना दे पाएँ। तो जल्दी से अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो इन्हें अपनी एयर ऑपरेशन स्टार्ट कर देने चाहिए। यही एक छोटा सा आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। तो अगर आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिएगा, कोई सवाल है सुझाव हो तो कमेंट में दे दीजिएगा, और हमारे चैनल बन रहिएगा, ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और हमें इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करिए, हमारा इंस्टाग्राम यूजर नेम है। और बन रहे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब करने से हमें तो मोटिवेशन और आपको मिलते रहेंगे रियल टाइम नोटिफिकेशन। तब तक के लिए।